तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस सेल्फ स्टडी डिप्लोमा नामक पढ़ाकू चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। सो विथआउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यह हमारा एक ऐसा पावर प्लांट होता है जहाँ पर हम लोग पानी के पोटेंशियल एनर्जी का यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए। मतलब कि इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक डैम को बनाते हैं और उस डैम में हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर वाले हाइट तक हम लोग पानी को स्टोर करते हैं, जिसके कारण हाइट के कारण हमारा जो वाटर है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है और उसके बाद हम लोग इस पोटेंशियल एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए। जो बेसिक प्रिंसिपल होता है हमारा एक हाइड्रो पावर प्लांट का वह यह होता है कि इसमें हम लोग पानी को सबसे पहले एक डैम में कुछ हाइट पर स्टोर करते हैं, जिसके कारण हमारा जो पानी है उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। उसके बाद हम लोग इस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं पेनस्टॉक के द्वारा। उसके बाद हम लोग इस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं अपने प्राइम मूवर के द्वारा और उसके बाद हम लोग इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं अपने अल्टरनेटर के द्वारा। इसके इस कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक डैम को बनाते हैं। यह डैम क्या करता है कि पानी को कुछ हाइट तक स्टोर करने के काम में आता है और जब भी हमारे किसी भी रिवर का पानी या फिर रेन वाटर हमारे इस डैम में आकर के स्टोर हो जाता है तो उसे हम लोग रिजर्वायर बोलते हैं। उसके साथ हम लोग यहाँ पर एक पेन स्टॉक का यूज करते हैं। यह पेन स्टॉक क्या करता है कि डैम में जो भी पानी भरा रहता है उस पानी को यह अपने द्वारा हमारे इस टरबाइन के पास देता है, जिसके कारण यह जो हमारा टरबाइन है वह रोटेट होता है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बना करके देता है। यह जो हमारा पेन स्टॉक है यह होलो इन नेचर होता है और यह जो हमारा पेन स्टॉक है इसे हम लोग दो प्रकार से बनाते हैं, या तो हम लोग इसे कॉन्क्रीट का बनाते हैं या फिर हम लोग इसे स्टील का बनाते हैं। जब भी हमारे इस डैम का हाइट लो होता है तो हम लोग अपने इस पेन स्टॉक को कंक्रीट का बनाते हैं और जब भी हमारे इस डैम का हाइट हाई होता है तो उस समय हम लोग अपने इस पेन स्टॉक को स्टील का बनाते हैं। साथ ही में यहाँ पर हम लोग एक ट्रैक रेस को लगाए रहते हैं। यह ट्रैक रेस क्या करता है कि पानी को फिल्टर करने के काम में आता है। मतलब कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो डैम होता है उसके पानी में कुछ कचरा वगैरह भी आ जाता है और कभी कभी कोई जीव जंतु भी मर कर आ जाते हैं और अगर वह जीव जंतु या फिर प्लास्टिक हमारी पेन स्टॉक के द्वारा अगर हमारे इस टरबाइन के पास आ जाएंगे तो हमारी जो टरबाइन है वह ख़राब हो सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक ट्रैक रेस को बना दिए रहते हैं। यह जो ट्रैक रेस है यह स्टील का बना हुआ होता है और यह जो है पानी को फिल्टर करने के काम में आता है। साथ ही में यहाँ पर हम लोग एक स्पिल्स वे को बनाते हैं। यह जो स्पिल्स वे क्या होता है कि यह एक प्रकार का गेट होता है। यह क्या करता है कि जब भी हमारे डैम में जो पानी है वह ओवरफ्लो होने लगेगा, मतलब कि डैम के कैपेसिटी से पानी जो है वह ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं इस स्पिल्स वे जो गेट है इसे हम लोग ओपन करते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पर स्टोर था वह इसके द्वारा यहाँ से निकल कर चला जाता है। इसके साथ हम लोग इस पेन स्टॉक के लास्ट में यहाँ पर एक वेल्व और एक नोजल का यूज करते हैं। जब वाल्व क्या होता है कि यहाँ से ओपन और क्लोज करके जो भी पानी हमारी इस पेन स्टॉक से टरबाइन के पास जाता है उसे कंट्रोल करता है और यह जो नोजल है यह क्या करता है कि यहाँ से जो भी हमारा पानी आ रहा है उसके प्रेशर को इनक्रीज करता है ताकि हमारा जो पानी है वह एक हाई काइनेटिक एनर्जी के द्वारा हमारे इस टरबाइन के पास गिरता है। साथ ही में यहाँ पर हम लोग एक सर्च टैंक का यूज करते हैं। यह सर्च टैंक क्या करता है कि हमारी इस पेन स्टॉक को वाटर हैमर इफेक्ट से बचाता है। जो वर्किंग होता है हमारा एक हाइड्रो पावर प्लांट का वह बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोगों का इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही इस वेल्व को ओपन कर देते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि जो हमारा पानी जो कि इस डैम में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर है वह क्या होता है कि इस पेन स्टॉक के द्वारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वह जो है बहुत ही ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी के द्वारा हमारे इस टरबाइन के शाफ्ट के ऊपर गिरता है, जिसके कारण यह जो हमारा शाफ्ट है वह रोटेट करने लग जाता है। तो हमारा यह टरबाइन का शाफ्ट जैसे ही रोटेट करने लगता है तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे यह जो अल्टरनेटर है उसका भी शाफ्ट इसके साथ कपल रहता है, जिसके कारण हमारे यह जो अल्टरनेटर है
वह रोटेट करने लगता है और यह इस प्रकार से हमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके देता है। तो इतना ही इजी हमारा एक वर्किंग होता है हाइड्रो पावर प्लांट का। और हम लोग अपने पीछे में ये समझ गए थे कि यह जो हमारा सर्ज टैंक होता है वह हमारे इस पेन स्टॉक को वाटर हैमर इफेक्ट से बचाता है। तो अब वाटर हैमर इफेक्ट क्या होता है उसे भी हम लोग जान लेते हैं। दरअसल हम लोग जानते हैं कि हमारा जब भी इस पेन स्टॉक से पानी हमारी इस टर्बाइन के पास जाता है तो हमारी ये जो टर्बाइन है वह क्या करता है, रोटेट होता है, जिसके कारण हमारा जो अल्टरनेटर है यह भी रोटेट करता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके देता है। अब अगर मान लीजिए, चलिए हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं है, जिसके कारण हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को इस टर्बाइन को रोटेट होने से रोकना है। तो इसलिए हम लोग को जब भी हम लोग को इस टर्बाइन को रोटेट होने से रोकना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इस वेल्व इसे क्लोज कर देते हैं। तो हम लोग इस वेल्व को जैसे ही क्लोज कर देंगे तो उसके कारण क्या होगा कि जो भी पानी यहाँ से आ रहा था वह पानी अब हमारे इस पेन स्टॉक में ही स्टोर होने लगेगा, जिसके कारण हमारे यह जो पेन स्टॉक है इसका फटने का चांस बढ़ जाता है। पेन स्टॉक के अंदर यही जो इफेक्ट होता है इसे हम लोग वाटर हैमर इफेक्ट बोलते हैं। उस सिचुएशन में हमारी ये जो सस्टेन क्या करता है कि जब भी इसमें पानी का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है तो यह सस्टेन क्या होता है कि यह ऊपर से ओपन रहता है, जो कि इसका जो अंदर का जो पानी है उसे यह अपने पास स्टोर कर लेता है और यह इस प्रकार से हमारी पेन स्टॉक को वाटर हैमर इफेक्ट से बचा लेता है।